नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज थर्सडे 1 जुलाई। कल के सेशन की बात करें तो कल एकाएक हमने पूरे ही काउंटर के अंदर एक बड़ी बिकवाली आते हुए देखा। हमने देखा कॉटन तेजी जरूर दिखा रहा है बट 25,000 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है, और कल एक फ्रेश सेलिंग के चलते प्राइजेस 24,650 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जिस ढंग से इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा प्राइजेस ने थोड़ी बहुत अपनी जो स्ट्रेंथ है वो गंवाते हुए देखी, या जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं। कपास के अंदर भी हमने 1280 का लेवल तोड़ते हुए देखा। कॉटन सीड ऑयल के अंदर दिन के सेशन में तो अच्छी रिकवरी थी बट ओवरऑल जैसे हमने परसों जो तेजी देखी उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग लग रहा था। ओवरऑल हमें लगता है कि 2800 से 2900 का जो रेंज है इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फंडामेंटल पॉइंट की अगर बात करें तो कॉपर के प्राइजेस में हमने देखा CAI ने FM को जो चिट्ठी लिखी है कि पॉइंट ऑफ शॉर्टफॉल इन एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल प्रोडक्शन, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा कंसर्निंग है। नो डाउट लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव रहेगा बट एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ा है प्राइजेस पे जिसकी वजह से थोड़ा ड्रॉप है, बट इन ऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक कॉटन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। CAI ने इंक्रीज किया है कंज्यूमर एस्टिमेट करंट क्रॉप का, जो 10 लाख से बढ़ाया गया है 325 पे, पिछली बार 315 था, जो कहीं ना कहीं कॉटन को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। डेली अराइवल ऑलमोस्ट टॉप है क्योंकि सीजन खत्म हो चुका है, नया माल आने में भी काफ़ी टाइम है। कॉटन सीड ऑयल के अंदर जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है बीच में, लास्ट फ्राइडे एंड मंडे हमने देखा था महाराष्ट्र के अंदर जो डेल्टा वेरिएंट का कोरोना वायरस का कंसर्न था उसकी वजह से प्राइजेस में ड्रॉप आया था, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाइंग काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव करके जा रही है जिसकी वजह से प्राइजेस में आगे का टाइम पॉजिटिव ही दिखा रहा है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो प्राइजेस के अंदर कल हमने 25,000 का लेवल ऑलमोस्ट कॉटन में आते हुए देखा, उसके बाद प्राइजेस के अंदर एक पुलबैक है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्राइजेस हो सकता है 24,500 का लेवल तोड़ने पे 24,250 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो हमने काफ़ी भारी गिरावट प्राइजेस में आते हुए देखी बट कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज जो 2700 का लेवल है यहाँ से मार्केट उठने की पूरी पूरी कोशिश कर चुका है और अब प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के करीब है। प्राइजेस को 2885 के ऊपर जाना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर निकलता है तो 2950 से लेकर 2980 तक का लेवल देख पाएगा। आज दिन के सेशन में अगर दबाव रहता है और प्राइजेस कॉटन सीड ऑयल के जुलाई वायदा 2820 तक मिलता है तो लेके चलिए 2920 का टारगेट रहेगा। आइस कॉटन में कल हमने भारी गिरावट आती हुई देखी जो कहीं ना कहीं 84 सेंट तक का लेवल दिखाकर वापस बाउंस होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल शॉर्टेजेस के चलते कॉटन इस बार तेजी का रुख रखेगा। तो आज के लिए कॉटन सीड ऑयल के लेके चलेंगे 2820-30 में जो 2900 तक के लेवल दिखा सकता है जुलाई वायदा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।